खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां क्रेशर संचालकों की मनमानी ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। मामला रीवा जिले के हनुमना तहसील अंतर्गत नकवार का है, जहां क्रेशर संचालक की तानाशाही के कारण अधवांचल क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों के जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी शिकायत कई बार स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से की गई, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिस पर ग्रामीण मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के पास पहुंचे और क्रेशर के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी, जिस पर पूर्व विधायक नकवार में स्थित क्रेशर में पहुंचे और क्रेशर संचालक को साफ तौर पर बताया कि आप लोग शासन की गाइडलाइन के हिसाब से काम करिए, जिससे कि स्थानीय निवासियों को कोई भी समस्या ना हो। वहीं क्रेशर संचालक के द्वारा भी बोला गया कि जल्द से जल्द वह अपनी गलतियों को सुधारेगा। पूर्व विधायक के द्वारा साफ तौर पर बोला गया कि अगर क्रेशर संचालक की तानाशाही नहीं रुकती तो वह हजारों लोगों के साथ सड़क पर आने के लिए विवश हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। क्या तुमने मुआवजा दिया? मुआवजा जो किया है तुमने यहां बीच की, उसका मुआवजा तुमने दिया? यहां कहां बड़ाई थी सर? नाटक मत बताओ, सुनो 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 मेरी बात। अपने मालिक से बोलो कि मुझसे बात करें, समझ गए ना? ये ना सोचो कि हमने मंजूरी करा ली तो क्रेशर चला ही लेंगे। अधवांचल क्षेत्र है, आदिवासियों का क्षेत्र है, किसी के बाप का वहाँ नहीं है, और वहाँ पे कई क्रेशर लगे हुए हैं, कोई एक क्रेशर नहीं लगा हुआ है, और वहाँ क्रेशर लगाए जाते हैं, और जो अगल बगल सरकारी ज़मीनें या पट्टे की भी ज़मीनें अपने प्रभाव से प्रशासन शासन क्रेशर वालों से मिल करके और उन ज़मीनों को उन क्रेशर वालों का सहयोग करते हैं। इसी तारतम्य नकवार में मैं तो नहीं जानता किसका क्रेशर है, लेकिन उसमें आदिवासी समाज के लोग कम से कम 50-60 लोग एक दिन गांव गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी लाइट काट दी गई, उन्होंने आश्वासन दिया था और रास्ते बंद कर दिए गए और ये है, तो एक दिन आ करके आप निदान करा दी। जब मैं वहाँ गया तो ये पता चला कि कुछ की मड़ई भी थी, जिनका मुआवजा भी नहीं मिला, और हमने क्रेशर वाले को फ़ोन लगा करके उसके भी जो कर्मचारी थे उनको बताया कि तत्काल इसका निदान करो। ये सब सारी बातें हैं जो मेरे द्वारा कहे अनुसार जितनी बातें थी सब सोशल मीडिया में चल रही हैं, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल चलाने वाले लोग उसको काट छाँट करके जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में 7 साल में मोदी जी की सरकार है, आज तक अभी इन्होंने कुछ किया नहीं। जो कांग्रेस के जमाने के निर्माणाधीन कार्य थे, चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे और हवाई अड्डा, ये सिर्फ नाम बदलने का जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अपना नाम लगाने का, उसी तरीके से इनकी आदत है कि कोई अच्छा काम करे, जनहित में काम करे, गरीबों के लिए लड़ाई लड़े, उसको भी काट छाँट करके सोशल मीडिया में उसी तरह से चलाने का। तो इनका सिर्फ दो ही काम है, नाम बदलना, जो कांग्रेस के जमाने के काम है, नाम बदलना, कैसे बदला जाता है और अपना नाम लिखा जाता है, उसी तरीके से अगर किसी भी गरीब की लड़ाई लड़ो तो जो बातें हैं उसको काट छांट करके और साबित करने का काम ये सोशल मीडिया का है। बाकी वहाँ यही मुद्दा था, गरीबों का मुद्दा है। अब मैं आज ये नहीं कि पहली बार का, हमेशा मैंने किया है और मैं हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ा हूँ, सदैव लड़ता रहूँगा। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888
5999 पर।